जय हिंद वंदे मातरम मेरे प्यारे साथी। 24 अप्रैल थर्ड शिफ्ट का एग्जाम का एनालिसिस लेकर के मैं आ चुका हूँ। जो आपकी लास्ट शिफ्ट होती है, तीसरी शिफ्ट, उसका एनालिसिस है। इसमें आपके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपके देख सकते हो। अब हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आर वैशाली अर्जुन पुरस्कार विजेता का संबंध किस खेल से है, ये प्रश्न आया था। तो इनका जो संबंध है वो शतरंज खेल से संबंध रखती है। कौन? आर वैशाली, ठीक है। ये तीसरी शिफ्ट है 24 अप्रैल के एग्जाम की, जो इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी का एग्जाम कराया गया है। किस पौधे में एक लिंग पुष्प होता है? इसमें ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ऑप्शन में तरबूज था तो इसका आंसर तरबूज ही रहेगा। अगर पपीता होता तो पपीता हो जाता, लेकिन इसमें तरबूज दिया हुआ था तो तरबूज सही आंसर है इसका, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है। ऊंट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, ये पूछा था। तो ये जो मनाया जाता है बीकानेर जिले में, राजस्थान में मनाया जाता है, राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा था, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये PDF भी प्राप्त करना चाहते हो तो PDF प्राप्त करने के लिए जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है सेम वही आपको टेलीग्राम पर जाना होगा, अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी सर्च करना होगा, उससे ज्वाइन करना होगा। देर रात तक आपको तीनों शिफ्टों के एग्जाम की मतलब PDF प्राप्त हो जाएगी, जो भी आपके GK GS के प्रश्न आए थे, ठीक है। किस प्रधानमंत्री को 2024 में भारत रत्न दिया गया था? तो मैं बता दूं 2024 में दो प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न दिया गया है, एक PV नरसिम्हा राव है, एक चौधरी चरण सिंह है। अब आप देख लो आपके एग्जाम में कोई एक ऑप्शन आया होगा इन दोनों में से, आपने कौन सा वाला ऑप्शन सही लगाया, ठीक है ना। एक ऑप्शन आया होगा तो चौधरी चरण सिंह या फिर PV नरसिम्हा राव, ठीक है। दोनों को ही भारत रत्न दिया गया 2024 में, ठीक है। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में? तो मौलिक कर्तव्य जो संविधान के भाग में भाग 4A में है। अगर अनुच्छेद आ जाए तो अनुच्छेद 51 कर देना, ठीक है। खाना पचाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? खाना पचाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका खाना पचाने के लिए मददगार होता है शरीर में, ठीक है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पूछे तो अजमेर राजस्थान के अंदर पड़ती है, ठीक है ना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो घंटी दबा ले, क्योंकि आप देख सकते हो सारे जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते रियल में वही क्वेश्चन है। और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो बता देता हूँ मैं एक बार आपको, 730317978 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपका आगे एग्जाम है तो आप मुझ पर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो नरगिस मोहम्मदी को शांति का पुरस्कार दिया गया था 2023 में, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2024 में अर्जुन अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला है? तो अर्जुन अवार्ड 2024 में कई खिलाड़ियों को मिले, लेकिन इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मोहम्मद शमी यानी कि जो ऑप्शन में दिया हुआ था मोहम्मद शमी दिया हुआ था, बाकी जो तीन थे उनको नहीं मिला था, ठीक है। ठोस धात्विक की चमक का कारण, जो ठोस धात्विक होती है उसकी चमक का कारण या तो फिर आपके ऑप्शन में होगा चालकता, अगर चालकता नहीं होगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा ऑप्शन में, जिसके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में होगा, ठीक है। चमकीली अधातु पूछा था, तो चमकीली अधातु जो आपकी होती है वो आयोडीन होती है, आयोडीन बच्चों ने बताया कि ऑप्शन में है, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन पूछा गया था तो 1978 में हुआ था, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ध्वनि का असर, जो ध्वनि का असर होता है वो आपके कानों पर कितनी देर तक रहता है? ऑप्शन में या तो आपके होगा 0.1 सेकंड या फिर 1/10 सेकंड होगा, इन दोनों में से एक होगा ऑप्शन में, ठीक है, वो सही आंसर हो जाता है, ठीक है। पदार्थ के कण किस बल के कारण आपस में बंध बनाते हैं? जो पदार्थ होते हैं उसके जो कण होते हैं आपस में किस प्रकार बंधे होते हैं? वो अंतर आणविक बल होता है, अंतर आणविक बल के कारण, ठीक है। 19वीं शताब्दी का प्रमुख समाज सुधारक कौन था? तो समाज सुधारक पूछा है, अगर प्रमुख लग जाता है तो वैसे तो कई समाज सुधारक थे, लेकिन प्रमुख पूछा है तो मैं बता दूं राजा राम मोहन राय इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बता देना कमेंट में राजा राम मोहन राय ऑप्शन में था या नहीं था, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन पर डिपेंड होते हैं। 2024 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? 2024 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दो लोगों को दिया गया था, एक तो कवि गुलजार को, एक राम भद्राचार्य को, ठीक है। इनमें से अब देख लेना आपके एग्जाम में कौन सा ऑप्शन होगा, कोई एक ऑप्शन होगा या फिर कवि गुलजार या फिर राम भद्राचार्य, ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो भारतीय सशस्त्र बलों का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय सशस्त्र बलों का जो मुख्यालय आपका नई दिल्ली के अंदर है। 1944 ईस्वी में कोहिमा की लड़ाई किस राज्य में लड़ी गई? तो ये नागालैंड के अंदर लड़ी गई 1944 में कोहिमा की लड़ाई। कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिकांग कोशिका में पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है वो तीन हो जाते हैं इसके, एक तो सेंट्रोसोम होगा या फिर लाइसोसोम होगा या सीलिया होगा, इन दोनों तीनों में से कोई एक ऑप्शन दिया हुआ होगा, तीनों तो दिए नहीं होंगे लेकिन एक ऑप्शन दिया होगा, आप बता देना कौन सा दिया होगा, ठीक है। कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो तीनों ही पाए जाते हैं, तीनों ही कोशिकांग पाए जाते हैं जंतु कोशिका में, ठीक है। उसके बाद है सिंहभूम किस राज्य में? सिंहभूम जो है आपका झारखंड राज्य में पड़ता है,
उसके बाद ऊर्जा का कौन सा रूप स्थिर ऊर्जा का संयोजन है, तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, बच्चों ने ऑप्शन नहीं बताए थे तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए खाली छोड़ दिया। अब आप देख सकते हो कि सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए थे वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। और ठीक है, ये तीसरी शिफ्ट है 24 अप्रैल वाले एग्जाम की, थर्ड शिफ्ट यानी कि लास्ट शिफ्ट है। अगर आपका भी एग्जाम आ गया है कभी तो आपको मैं नंबर लिख के देता हूँ, ये नंबर है 7303017978, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको डेली के एनालिसिस कराता रहूँगा इसी प्रकार से। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।